वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे AIBE यानी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा जो कंडक्ट की जाती है एग्जाम, अगर उसमें आप क्वालिफाई नहीं करें तो उसका क्या इम्पैक्ट आपके प्रैक्टिस पे पड़ सकता है। दोस्तों आप जानते हैं जैसे ही आप LLB कंप्लीट कर लेते हैं या BLLB कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अपने स्टेट बार काउंसिल में एज एन एडवोकेट इनरोल्ड करवाते हैं और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है, एक इनरोलमेंट नंबर दिया जाता है और आपका जो है प्लेस ऑफ प्रैक्टिस उस पर लिखा रहता है और उसके आधार पर आप जो है किसी स्पेसिफिक प्लेस पे प्रैक्टिस करते हैं यानी एडवोकेट बनके आप प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं अगर AIBE एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसी संबंध में एक छोटे से क्लिप से हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों सबसे पहली बात है कि अगर AIBE द्वारा कंडक्ट किए गए एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो मैक्सिमम 2 वर्ष के बाद आपको परमिशन अलॉट नहीं होगा प्रैक्टिस करने के लिए, यानी AIBE का जो एग्ज़ाम है वो आपको 2 वर्ष के अंदर क्वालिफाई करना ही है, नहीं करने का सवाल नहीं है। और अगर आप नहीं करते हैं तो 2 साल के बाद आप लीगली प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, उसका फिर अलग एक प्रोसेस है, फिर से जाके आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं एक छोटे से क्लिप से आपको बहुत सुंदर जानकारी मिली हुई। धन्यवाद।